दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त के अंतर्गत हम तीन अंकों की चर्चा कर चुके हैं। तीसरे अंक में हमने देखा कि नंदकुल का नाश और चंद्रगुप्त का सम्राट बनाया जाना चाणक्य के कारण संभव हुआ। चाणक्य अपनी कूटनीति के प्रयोग से पर्वतेश्वर तथा चंद्रगुप्त के बीच में मैत्री स्थापित कर देता है, राक्षस तथा नंद के बीच विरोध पैदा करता है, नंद वररुचि सुहासिनी और राक्षस को बंदी बनाता है, शक्टार चाणक्य का सहयोगी बनता है, नंद की क्रूरता से जनता उत्तेजित हो जाती है, अकस्मात अंधकूप से निकलकर शक्टार छुरी निकालकर नंद की हत्या कर देता है और सब चंद्रगुप्त को सम्राट घोषित कर देते हैं। आइए आगे की कथा की ओर चलते हैं। आज के इस वीडियो में हम चौथे अंक को प्रारंभ करेंगे। पहला दृश्य है मगध में राजकीय उपवन का, जहां कल्याणी को बताया गया है। कल्याणी कह रही है, मेरे जीवन के दो स्वप्न थे, दुर्दिन के बाद आकाश के नक्षत्र विलास सी चंद्रगुप्त की छवि और पर्वतेश्वर से प्रतिशोध। किंतु मगध की राजकुमारी आज अपने ही उपवन में बंदिनी है। मैं वही तो हूं जिसके संकेत पर मगध का साम्राज्य चल सकता था। वही शरीर है, वही रूप है, वही हृदय है, पर छिन गया अधिकार और मनुष्य का मानदंड ऐश्वर्य। अब तुलना में सबसे छोटी हूं। जीवन लज्जा की रंगभूमि बन रहा है। सिर झुका लेती है और कहती है, तो जब नंद वंश का कोई न रहा तब एक राजकुमारी बचकर क्या करेगी। मद्यप किसी चेष्टा करते हुए पर्वतेश्वर को प्रवेश करते देख चुप हो जाती है। पर्वतेश्वर कहता है, मगध मेरा है, आधा मेरा भाग है और मुझसे कुछ पूछा तक न गया। चंद्रगुप्त अकेले सम्राट बन बैठा, कभी नहीं, यह मेरे जीते जी नहीं हो सकता। सामने देखकर कहता है, कौन है, यह कोई अप्सरा होगी, अरे कोई अपदेवता ना हो, और प्रस्थान करता है। कल्याणी कहती है, मगध के राजमंदिर उसी तरह खड़े हैं, गंगा शोण से उसी स्नेह से मिल रही है, नगर का कोलाहल पूर्वत है, परंतु न रहेगा एक नंद वंश। फिर क्या करूं, आत्महत्या करूं, नहीं, जीवन इतना सस्ता नहीं। आहा देखो, वह मधुर आलोक वाला चंद्र उसी प्रकार नित्य जैसे एकटक इस पृथ्वी को देख रहा हो, कुमुद बंधु। और वह गाना प्रारंभ करती है, सुधा सीकर से नहला दो, लहरें डूब रही हो रस में, रहना जाए वे अपने बस में, रूप राशि इस व्यथित हृदय सागर को बहला दो, सुधा सीकर से नहला दो, अंधकार उजला हो जाए, हंसी हंस माला मटराए, मधुरा का आगमन कलरवों के मिस कहला दो, सुधा सीकर से नहला दो। करुणा के अंचल पर निखरे घायल आंसू है जो बिखरे, ये मोती बन जाए मृदुल कर से लो सहला दो, सुधा सीकर से नहला दो। पर्वतेश्वर का फिर से प्रवेश होता है। पर्वतेश्वर पूछता है, कौन हो तुम सुंदरी, मैं भ्रमवश चला गया था। कल्याणी कहती है, तुम कौन हो। पर्वतेश्वर उत्तर देता है, पर्वतेश्वर। कल्याणी कहती है, मैं हूं कल्याणी जिसे नगर अवरोध के समय तुमने बंदी बनाया था। पर्वतेश्वर पूछता है, राजकुमारी नंद की तुहिता तुम ही हो। कल्याणी उत्तर देती है, हां पर्वतेश्वर। पर्वतेश्वर पूछता है, तुम्ही से मेरा ब्याह होने वाला था। कल्याणी कहती है, अब यम से होगा। पर्वतेश्वर कहता है, नहीं सुंदरी, ऐसा भरा हुआ यौवन। कल्याणी कहती है, सब छीन कर अपमान भी। पर्वतेश्वर कहता है, तुम नहीं जानती हो, मगध का आधा राज्य मेरा है, तुम मेरी प्रियतमा होकर सुखी रह सकोगी। कल्याणी कहती है, मैं अब सुख नहीं चाहती, सुख अच्छा है या दुख मैं स्थिर न कर सकी, तुम मुझे कष्ट न दो। पर्वतेश्वर कहता है, हमारे तुम्हारे मिल जाने से मगध का पूरा राज्य हम लोगों का हो जाएगा, उत्तरापद को संकटमयी परिस्थिति से अलग रहकर यही शांति मिलेगी।
कल्याणी कहती है चुप रहो। पर्वतेश्वर कहता है सुंदरी तुम्हें देखने पर ऐसा नहीं हो सकता। पर्वतेश्वर उसे पकड़ना चाहता है, वह भागती है परंतु पर्वतेश्वर उसे पकड़ ही लेता है। कल्याणी उसी का छुरा निकालकर उसका वध करती है। चीत्कार सुनकर चंद्रगुप्त आ जाता है। चंद्रगुप्त कहता है कल्याणी कल्याणी यह क्या। कल्याणी कहती है वही जो होना था। चंद्रगुप्त यह पशु मेरा अपमान करना चाहता था, मुझे भ्रष्ट करके अपनी संगिनी बनाकर पूरे मगध पर अधिकार करना चाहता था। परंतु मौर्य कल्याणी ने वरण किया था केवल एक पुरुष को, वह था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कहता है क्या यह सच है कल्याणी। कल्याणी कहती है हाँ यह सच है, परंतु तुम मेरे पिता के विरोधी हुए, इसलिए उस प्रणय को प्रेम पीड़ा को मैं पैरों से कुचल कर दबा कर खड़ी रही। अब मेरे लिए कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहा। पिता लो मैं भी आती हूं। अचानक छुरी मारकर आत्महत्या करती है। चंद्रगुप्त उसे गोद में उठा लेता है। चाणक्य प्रवेश करते हुए कहता है चंद्रगुप्त आज तुम निष्कंटक हुए। चंद्रगुप्त पूछता है गुरुदेव इतनी क्रूरता। चाणक्य कहता है महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चलो अपना काम करो, विवाद करना तुम्हारा काम नहीं। अब तुम स्वच्छंद होकर दक्षिणापथ जाने की आयोजना करो। और चाणक्य वहां से प्रस्थान करता है। चंद्रगुप्त कल्याणी को लिटा देता है। और इसी के साथ प्रथम दृश्य समाप्त होता है। द्वितीय दृश्य में पथ में राक्षस और सुवासिनी को दिखाया गया है। सुवासिनी कहती है राक्षस मुझे क्षमा करो। राक्षस कहता है क्यों सुवासिनी, यदि वह बाधा एक क्षण और रुकी रहती तो क्या हम लोग इस सामाजिक नियम के बंधन से बंध न गए होते, अब क्या हो गया। सुवासिनी कहती है अब पिताजी की अनुमति आवश्यक हो गई है। राक्षस व्यंग्य से पूछता है क्यों, क्या अब वह तुम्हारे ऊपर अधिक नियंत्रण रखते हैं, क्या उनका तुम्हारे विगत जीवन से कुछ संपर्क नहीं क्या। सुवासिनी राक्षस की बात काटते हुए कहती है अमात्य मैं अनाथ थी, जीविका के लिए मैंने चाहे कुछ भी किया हो पर स्त्रीत्व नहीं बेचा। राक्षस कहता है सुवासिनी मैंने सोचा था तुम्हारे अंक में सिर रखकर विश्राम करते हुए मगध की भलाई से विपदगामी न होऊंगा, पर तुमने ठोकर मार दिया। क्या तुम नहीं जानती कि मेरे भीतर एक दुष्ट प्रतिभा सदैव सचेष्ट रहती है, अवसर न दो उसे न जगाओ, मुझे पाप से बचाओ। सुवासिनी कहती है मैं तुम्हारा प्रणय अस्वीकार नहीं करती, किंतु अब इसका प्रस्ताव पिताजी से करो। तुम मेरे रूप और गुण के ग्राहक हो और सच्चे ग्राहक हो, परंतु राक्षस मैं जानती हूं कि यदि ब्याह छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से मैं तुम्हारी होक जाती तो तुम ब्याह से अधिक सुखी होते। उधर पिता ने जिनके लिए मेरा चारित्र मेरी निष्कलंकता नितांत वांछनीय हो सकती है मुझे इस मलिनता के कीचड़ से कमल के समान हाथों में ले लिया है। मेरे चिर दुखी पिता राक्षस तुम वासना से उत्तेजित हो, तुम नहीं देख रहे हो कि सामने एक जुड़ता हुआ घायल हृदय बिछुड़ जाएगा, एक पवित्र कल्पना सहज ही नष्ट हो जाएगी। राक्षस कहता है कि मैं मान लेता, कदाचित इस पर पूर्ण विश्वास भी कर लेता, परंतु सुवासिनी मुझे शंका है, चाणक्य का तुम्हारा बाल्य परिचय है, तुम शक्तिशाली की उपासना। सुवासिनी कहती है ठहरो अमात्य मैं चाणक्य को इधर तो एक प्रकार से विस्मृत ही हो गई थी, तुम इस सोई हुई भ्रांति को न जगाओ। और सुवासिनी प्रस्थान करती है। राक्षस कहता है चाणक्य भूल सकता है, कभी नहीं। वह राजनीति का आचार्य हो जाए, वह विरक्त तपस्वी हो जाए, परंतु सुवासिनी का चित्र यदि अंकित हो गया है तो उसे सोचता है। और नेपथ्य से गान की आवाज आती है, कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला, संध्या गगन सी रागमयी यह बड़ी तीव्र है ठाला, लोह श्रृंखला सेन कड़ी क्या यह फूलों की माला, कैसी कड़ी रूप की ज्वाला। राक्षस चैतन्य होकर कहता है तो चाणक्य से फिर मेरी टक्कर होगी, होने दो, यह अधिक सुखदायी होगा। आज से हृदय का यही ध्येय रहा, मैं शक्तार से किस मुंह से प्रस्ताव करूं, वह सुवासिनी को मेरे हाथ में सौंप दे, यह असंभव है।
तो मगध में फिर एक आंधी आवे, चलूं, चंद्रगुप्त भी तो नहीं है, चंद्रगुप्त सम्राट हो सकता है तो दूसरे भी इसके अधिकारी हैं। कल्याणी की मृत्यु से बहुत से लोग उत्तेजित हैं, आहुति की आवश्यकता है, पहनी प्रज्वलित है, और राक्षस वहां से प्रस्थान करता है। इसी के साथ द्वितीय दृश्य का समापन होता है। तीसरे दृश्य में परिषद ग्रह दिखाया गया है। राक्षस प्रवेश करके कहता है, तो आप लोगों की सम्मति है कि विजयोत्सव न मनाया जाए, मगध का उत्कर्ष, उसके गर्भ का दिन यूं ही फीका रह जाए। शक्टार कहता है, मैं तो चाहता हूं परंतु आर्य चाणक्य की सम्मति इसमें नहीं है। कात्यायन कहता है, जो कार्य बिना किसी आडंबर के हो जाए वही तो अच्छा है। मौर्य सेनापति और उसकी स्त्री का प्रवेश होता है। मौर्य कहता है, विजयी होकर चंद्रगुप्त लौट रहा है, हम लोग आज भी उत्सव न मनाने पाएंगे, राजकीय आवरण में यह कैसी दास्ता है। मौर्य पत्नी कहती है, तब यही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन इस साम्राज्य का अधीश्वर है, विजयी चंद्रगुप्त अथवा यह ब्राह्मण या परिषद। चाणक्य राक्षस की ओर देखकर कहता है, राक्षस तुम्हारे मन में क्या है। राक्षस कहता है, मैं क्या जानूं, जैसी सब लोगों की इच्छा। चाणक्य कहता है, मैं अपने अधिकार और दायित्व को समझकर कहता हूं कि यह उत्सव न होगा। मौर्य पत्नी कहती है, तो मैं ऐसी पराधीनता में नहीं रहना चाहती। मौर्य से कहती है, समझा ना, हम लोग आज भी बंदी हैं। मौर्य क्रोध में भरकर कहता है, क्या कहा, बंदी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग चलते हैं, देखो किसके सामर्थ्य है जो रोके, अपमान से जीवित रहना मौर्य नहीं जानता है, चलो। और दोनों का प्रस्थान होता है। चाणक्य और कात्यायन को छोड़कर सब चले जाते हैं। कात्यायन कहता है, विष्णुगुप्त तुमने समझकर ही तो ऐसा किया होगा, फिर भी मौर्य का इस तरह चले जाना चंद्रगुप्त को। चाणक्य कहता है, बुरा लगेगा, क्यों, भला लगने के लिए मैं कोई काम नहीं करता कात्यायन, परिणाम में भलाई ही मेरे कामों की कसौटी है, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी चले जाओ, बको मत। कात्यायन का प्रस्थान होता है। चाणक्य कहता है, कारण समझ में नहीं आता, यह वात्या चक्र क्यों। विचारता हुआ पुनः कहता है, क्या कोई नवीन अध्याय खुलने वाला है, अपनी विजयों पर मुझे विश्वास है, फिर यह क्या। सोचता है, तभी सुहासिनी का प्रवेश होता है। सुहासिनी कहती है, विष्णुगुप्त। चाणक्य कहता है, कहो सुहासिनी। सुहासिनी कहती है, अभी परिषद गृह से जाते हुए पिताजी बहुत दुखी दिखाई दिए, तुमने अपमान किया क्या। चाणक्य कहता है, ये तुमसे किसने कहा, इस उत्सव को रोक देने से साम्राज्य का कुछ बनता बिगड़ता नहीं, मौर्यों का जो कुछ है वह मेरे दायित्व पर है, अपमान हो या मान मैं उसका उत्तरदायी हूं, और पितृव्य तुल्य शक्टार को मैं अपमानित करूंगा, ये तुम्हें कैसे विश्वास हुआ। सुहासिनी कहती है, तो राक्षस ने ऐसा क्यों। चाणक्य कहता है, कहा हैं, तो कहना ही चाहिए, और तुम्हारा भी उस पर विश्वास होना आवश्यक है, क्यों ना सुहासिनी। सुहासिनी कहती है, विष्णुगुप्त मैं एक समस्या में डाल दी गई हूं। चाणक्य कहता है, तुम स्वयं पढ़ना चाहती हो, कदाचित ये ठीक भी है। सुहासिनी कहती है, व्यंग्य न करो, तुम्हारी कृपा मुझ पर होगी ही, मुझे इसका विश्वास है। चाणक्य कहता है, मैं तुमसे बाल्यकाल से परिचित हूं सुहासिनी, तुम खेल में भी हारने के समय रोते हुए हंस दिया करती, और तब मैं हार स्वीकार कर लेता, इधर तो तुम्हारा अभिनय का अभ्यास भी बढ़ गया है, तब तो। और चाणक्य देखने लगता है। सुहासिनी कहती है, ये क्या विष्णुगुप्त, तुम संसार को अपने वश में करने का संकल्प रखते हो, फिर अपने को नहीं, देखो दर्पण लेकर तुम्हारी आंखों में तुम्हारा ये कौन सा नवीन चित्र है। और सुहासिनी वहां से प्रस्थान करती है। चाणक्य कहता है, क्या मेरी दुर्बलता नहीं, कौन है। तो वरिक प्रवेश करके कहता है, जय हो आर्य, रथ पर मालविका आई है। चाणक्य कहता है, उसे सीधे मेरे पास लिवा लाओ। तो वरिक का प्रस्थान होता है। एक चर का प्रवेश होता है। चर कहता है, आर्य सम्राट के पिता और माता दोनों व्यक्ति रथ पर अभी बाहर गए हैं। जाता है। चाणक्य कहता है,
जाने दो, उनके रहने से चंद्रगुप्त के एकाधिपत्य में बाधा होती। नेहाती रेख से वह कुछ का कुछ कर बैठता। दूसरे चर का प्रवेश होता है। दूसरा चर प्रणाम करके कहता है, जय हो आर्य, बाल्हीक में नई हलचल है। विजेता सिल्यूकस अपनी पश्चिमी राजनीति से स्वतंत्र हो गया है। अब वह सिकंदर के पूर्वी प्रांतों की ओर दत्तचित्त है। बाल्हीक की सीमा पर नवीन यमन सेना के शस्त्र चमकने लगे हैं। चाणक्य चौंक कर कहता है, और गांधार का समाचार? दूसरा चर कहता है, अभी कोई नवीनता नहीं है। चाणक्य कहता है, जाओ, प्रचर का प्रस्थान होता है। क्या उसका भी समय आ गया? तो ठीक है ब्राह्मण, अपने प्रतिज्ञा पर अटल रहे, कुछ चिंता नहीं, सब सुयोग आप ही चले आ रहे हैं। ऊपर देखकर हंसता है। तभी मालविका का प्रवेश होता है। मालविका कहती है, आर्य प्रणाम करती हूं, सम्राट ने श्री चरणों में सविनय प्रणाम करके निवेदन किया है कि आपके आशीर्वाद से दक्षिणा पथ में अपूर्व सफलता मिली, किंतु सुदूर दक्षिण जाने के लिए आपका निषेध सुनकर लौटा आ रहा हूं। सीमांत के राष्ट्रों ने भी मित्रता स्वीकार कर ली है। चाणक्य कहता है, मालविका विश्राम करो, सब बातों का विवरण एक साथ ही लूंगा। मालविका कहती है, परंतु आर्य स्वागत का कोई उत्साह राजधानी में नहीं? चाणक्य कहता है, मालविका पाटलिपुत्र षड्यंत्रों का केंद्र हो रहा है, सावधान, चंद्रगुप्त के प्राणों की रक्षा तुम्ही को करनी होगी। और इसी के साथ तीसरे दृश्य का समापन होता है। चौथे दृश्य में प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त का प्रवेश दिखाया गया है। चंद्रगुप्त कहता है, विजयों की सीमा है परंतु अभिलाषाओं की नहीं, मन ऊब सा गया है, झंझटों से घड़ी भर अवकाश नहीं, गुरुदेव और क्या चाहते हैं समझ में नहीं आता, इतने उदासी क्यों? मालविका, मालविका प्रवेश करके कहती है, सम्राट की जय हो। चंद्रगुप्त कहता है, मैं सबसे विभिन्न एक भय प्रदर्शन सा बन गया हूं, कोई मेरा अंतरंग नहीं, तुम भी मुझे सम्राट कहकर पुकारती हो। मालविका कहती है, देव फिर मैं क्या कहूं? चंद्रगुप्त कहता है, स्मरण आता है मालव का उपवन और उसमें अतिथि के रूप में मेरा रहना। मालविका कहती है, सम्राट अभी कितने ही भयानक संघर्ष सामने है। चंद्रगुप्त कहता है, संघर्ष? युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो मालविका, आशा और निराशा का युद्ध, भावों का अभाव से द्वंद्व, कोई कमी नहीं, फिर भी न जाने कौन मेरी संपूर्ण सूची में रिक्त चिन्ह लगा देता है। मालविका तुम मेरी तांबूल वाहिनी नहीं हो, मेरे विश्वास की मित्रता की प्रतिकृति हो। देखो मैं दरिद्र हूं कि नहीं, तुमसे मेरा कोई रहस्य गोपनीय नहीं, मेरे हृदय में कुछ है कि नहीं टटोलने से भी नहीं जान पड़ता। मालविका कहती है, आप महापुरुष हैं, साधारण जन सुलभ दुर्बलता ना होनी चाहिए आप में। देव बहुत दिनों पर मैंने एक माला बनाई है, और वह चंद्रगुप्त को माला पहनाती है। चंद्रगुप्त कहता है, मालविका इन फूलों के रस तो भौरे ले चुके हैं। मालविका कहती है, निरीह कुसुमों पर दोषारोपण क्यों? उनका काम है सौरभ बिखेरना, या उनका मुक्त दान है, उसे चाहे भ्रमर ले या पवन। चंद्रगुप्त कहता है, कुछ गाओ तो मन बहल जाए। मालविका गाती है, मधुप कब एक कली का है, पाया जिसमें प्रेम रस सौरभ और सुहाग, बेसुध हो उस कली से मिलता भर अनुराग, बिहारी कुंज गली का है, मधुप कप एक गली का है। कुसुम धूल से धूसरित चलता है उस राह, कांटों में उलझा तदपि रही लगन की चाह, बावला रंग रली का है, मधुप कब एक कली का है। ओ मल्लिका सरोजनी या युथी का पुंज, अलिको केवल चाहिए सुखमय क्रीड़ा कुंज, मधुप कब एक कली का है, मधुप कब एक कली का है। चंद्रगुप्त कहता है, मालविका मन मधुप से भी चंचल और पवन से भी प्रगतिशील है, वेगवान है। मालविका कहती है, उसका निग्रह करना ही महापुरुषों का स्वभाव है देव। तभी प्रतिहारी का प्रवेश होता है और संकेत। मालविका उससे बात करके लौटती है। चंद्रगुप्त कहता है, क्या है? मालविका कहती है, कुछ नहीं, कहती थी कि यह प्राचीन राजमंदिर अभी परिष्कृत नहीं, इसलिए मैंने चंद्र सौध में आपके शयन का प्रबंध करने के लिए कह दिया है। चंद्रगुप्त कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और पान करता हुआ कहता है, कुछ और गाओ मालविका, आज तुम्हारे स्वर में स्वर्गीय मधुरिमा है। मालविका गाती है,
बज रही बंसी आठों याम की, अब तक गूंज रही है बोली प्यारे मुख अभिराम की, बज रही बंसी आठों याम की। हुए चपल मृग नैन मोहवश, बजी विपंची काम की, रूप सुधा के दो दिग्पालों ने ही मति बेकाम की, बज रही बंसी आठों याम की। तभी कंचुकी का प्रवेश होता है। कंचुकी कहता है, जय हो देव, शयन का समय हो गया। प्रतिहारी और कंचुकी के साथ चंद्रगुप्त का प्रस्थान होता है। मालविका कहती है, जाओ प्रियतम, दुखी जीवन बिताने के लिए और मैं रहती हूं चिर दुखी जीवन का अंत करने के लिए। जीवन एक प्रश्न है और मरण है उसका अटल उत्तर। आर्य चाणक्य की आज्ञा है, आज घातक इस शयन ग्रह में आवेंगे, इसलिए चंद्रगुप्त यहां न सोने पावे और वे षड्यंत्रकारी पकड़े जाएं। शैया पर बैठकर कहती है, यह चंद्रगुप्त की शैया है। ओह, आज प्राणों में कितनी मादकता है। मैं कहां हूं, कहां? स्मृति, तू मेरी तरह सो जा। अनुराग, तू रक्त से भी रंगीन बन जा। और वह गाना शुरू करती है, ओ मेरे जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग, बैठ गुलाबी विजन उषा में गाते कौन मनोहर राग। चेतन सागर उर्मिल होता, यह कैसी कंपनमय तान, यों अधीरता से न मीड लो, अभी हुए हैं पुलकित प्राण। कैसा है यह प्रेम तुम्हारा, युगल मूर्ति की बलिहारी, यह उन्मत्त विलास बता दो, कुचलेगा किसकी क्यारी। इस अनंतता निधि के नाविक, हे मेरे अनंग अनुराग, पाल सुनहला वंत अंती है, स्मृतियों उस अतीत में जाग। कहां ले चले कोलाहल से मुखरित तट को छोड़ सुदूर, आह तुम्हारे निर्दय डाढ़ों से होती है लहरें चूर। देख नहीं सकते तुम दोनों, चकित निराशा है भीमा, बहको मत क्या न है बता दो, क्षितिज तुम्हारी नवसीमा। और शयन करती है। इसी के साथ चौथे दृश्य का समापन होता है। पांचवा दृश्य है प्रभात का, और राजमंदिर का एक प्रात दिखाया जाता है। चंद्रगुप्त अकेले टहलता हुआ कहता है, चतुर सेवक के समान संसार को जगाकर अंधकार हट गया। रजनी की निस्तब्धता काकली से चंचल हो उठी है। नीला आकाश स्वच्छ होने लगा है, या निद्रा क्लांत निशा उषा की शुभ्र चादर ओढ़कर नींद की गोद में लेटने चली है। यह जागरण का अवसर है। जागरण का अर्थ है कर्म क्षेत्र में अवतीर्ण होना, और कर्म क्षेत्र क्या है? जीवन संग्राम। किंतु भीषण संघर्ष करके भी मैं कुछ नहीं हूं, मेरी सत्ता एक कठपुतली सी है। तो फिर मेरे पिता, मेरी माता, इनका तो सम्मान आवश्यक था, वे चले गए। मैं देखता हूं कि नागरिक तो क्या, मेरे आत्मीय भी आनंद बनाने से वंचित किए गए। यह परतंत्रता कब तक चलेगी? प्रतिहारी, प्रतिहारी प्रवेश करके, जय हो देव। चंद्रगुप्त कहता है, आर्य चाणक्य को शीघ्र लिवा लाओ। और प्रतिहारी का प्रस्थान होता है। चंद्रगुप्त टहलते हुए कह रहा है, प्रतिकार आवश्यक है। चाणक्य का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त कहता है, आर्य प्रणाम। चाणक्य कहता है, कल्याण हो आयुष्मान, आज तुम्हारा प्रणाम कुछ भारी सा है। चंद्रगुप्त कहता है, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। चाणक्य कहता है, यह तो मैं पहले ही से समझता था, तो तुम अपने स्वागत के लिए लड़कों के सदस्य रूठे हो। चंद्रगुप्त कहता है, नहीं आर्य, मेरे माता पिता, मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें किसने निर्वासित किया। चाणक्य कहता है, जान जाओगे तो उसका वध करोगे, क्यों? और हंसता है। चंद्रगुप्त कहता है, हंसिए मत गुरुदेव, आपकी मर्यादा रखनी चाहिए। यह मैं जानता हूं, परंतु वे मेरे माता पिता थे, यह आपको भी जानना चाहिए। चाणक्य कहता है, तभी तो मैंने उन्हें उपयुक्त अवसर दिया, अब उन्हें आवश्यकता थी शांति की, उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया है, इसमें खेद करने की कौन बात है। चंद्रगुप्त कहता है, यह अक्षुण अधिकार आप कैसे भोग रहे हैं? केवल साम्राज्य का ही नहीं, देखता हूं आप मेरे कुटुंब का भी नियंत्रण अपने हाथों में रखना चाहते हैं। चाणक्य कहता है, चंद्रगुप्त, मैं ब्राह्मण हूं, मेरा साम्राज्य करुणा का था, मेरा धर्म प्रेम का था, आनंद समुद्र में शांति द्वीप का अधिवासी ब्राह्मण मैं, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र मेरे द्वीप थे, अनंत आकाश वितान था,
शश श्यामला कोमला विश्वंभरा मेरी शैया थी। बौद्धिक विनोद कर्म था, संतोष धन था। उस अपनी ब्राह्मण की जन्मभूमि को छोड़कर कहाँ आ गया? सौहार्द के स्थान पर कुचक्र, फूलों के प्रतिनिधि कांटे, प्रेम के स्थान में भय, ज्ञानामृत के परिवर्तन में कुमंत्रणा, पतन और कहां तक हो सकता है? ले लो मौर्य चंद्रगुप्त, अपना अधिकार छीन लो, यह मेरा पुनर्जन्म होगा। मेरा जीवन राजनीतिक चक्रों से कुत्सित और कलंकित हो उठा है। इसी छाया चित्र, इसी काल्पनिक महत्व के पीछे ब्रह्मपूर्ण अनुसंधान करता दौड़ रहा हूं। शांति खो गई, स्वरूप विस्मृत हो गया, जान गया मैं कहां और कितने नीचे हूं, और प्रस्थान करता है। चंद्रगुप्त कहता है, जाने दो, और दीर्घ निश्वास लेकर कहता है, तो क्या मैं असमर्थ हूं? सब हो जाएगा। सिंहरण प्रवेश करके कहता है, सम्राट की जय हो। कुछ विद्रोही और षड्यंत्रकारी पकड़े गए हैं, एक बड़ी दुखद घटना भी हो गई है। चंद्रगुप्त चौंक कर कहता है, क्या? सिंहरण कहता है, मालविका की हत्या। और गदगद कंठ से कहता है, आपका परिच्छद पहनकर वह आपकी किस सैया पर लेटी थी? चंद्रगुप्त कहता है, तो क्या उसने इसलिए मेरे सेन का प्रबंध दूसरे प्रकोष्ठ में किया? आह मालविका। सिंहरण कहता है, आर्य चाणक्य की सूचना पाकर नायक पूरे गुल्म के साथ राजमंदिर की रक्षा के लिए प्रस्तुत था। एक छोटा सा युद्ध होकर वे हत्यारे पकड़े गए, परंतु उनका नेता राक्षस निकल भागा। चंद्रगुप्त कहता है, क्या राक्षस उनका नेता था? सिंहरण कहता है, हाँ सम्राट, गुरुदेव बुलाए जाएं। चंद्रगुप्त कहता है, वही तो नहीं हो सकता, वे चले गए, कदाचित न लौटेंगे। सिंहरण कहता है, ऐसा क्यों? क्या आपने कुछ कह दिया? चंद्रगुप्त कहता है, हाँ सिंहरण, मैंने अपने माता पिता के चले जाने का कारण पूछा था। सिंहरण निश्वास लेकर कहता है, तो नियति कुछ अदृष्ट का सृजन कर रही है। सम्राट, मैं गुरुदेव को खोजने जाता हूं। चंद्रगुप्त विरक्ति से कहता है, जाओ, ठीक है, अधिक हर्ष अधिक उन्नति के बाद ही तो अधिक दुख और पतन की बारी आती है। सिंहरण का प्रस्थान होता है। चंद्रगुप्त कहता है, पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया, तो भी चंद्रगुप्त को रहना पड़ेगा और रहेगा, परंतु मालविका, आह वह स्वर्गीय कुसुम। और चिंतित भाव से चंद्रगुप्त प्रस्थान करता है। इसी के साथ पांचवा दृश्य समाप्त होता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। शेष नाटक की चर्चा हम अगले भागों में करेंगे। यदि आपको हमारा आज का यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। यदि आपने अभी तक भी बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं। और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।